तो ये 7 सीटर भी है और इसको 5 सीटर भी कन्वर्ट करके बना सकते हो। इजिली आप सीट्स को अप एंड डाउन कर सकते हो। तो अब ये कार बन चुकी है प्रॉपर 7 सीटर कार। तो यहाँ पे ORVM में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ऑटो फोल्डेबल लाइट्स है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का हेडलाइट मिलता है, काफ़ी बड़ा DRL मिल जाता है LED लाइट सेटअप के साथ। तो ये बहुत ही कम्फर्टेबल कार है ड्राइव करने में, ईजिली आप इस कार को ड्राइव कर पाओगे। चेयर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा हाइट मिलता है आपको, जिसके वजह से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला कार ड्राइव करने में। सो हे वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब, होप कि अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। फिलहाल अभी हमारे पीछे खड़ी है XUV 700, महिंद्रा XUV 700, और आज ये रहने वाला है कार का कुछ इस तरीके का की, ये भी देख लो। सो दिस इज द की ऑफ द कार एंड दिस इज द कार। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं महिंद्रा XUV 700 के बारे में, और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं 5-6 बिग रीजंस, 5-6 बड़े रीजंस व्हाई टू परचेज दिस XUV 700 ओवर ऑल अदर राइवल्स। इसके राइवल्स को ना खरीद के इसको खरीदना कितना वर्थ है, और क्या बड़े 5-6 रीजंस है जिसके वजह से आपको ये कार खरीदना चाहिए इन 2024 इन दिस प्राइस रेंज। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के, और आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं एंड बताते हैं इस कार के बारे में। सबसे पहला जो रीजन रहने वाला है वो रहने वाला है इंजन ऑफ दिस कार, जो कि आपको महिंद्रा की रिलायबिलिटी मिलती है इसमें, और जो पिकअप पावर जो आपको इस कार में मिलता है वो इसके सेगमेंट में और किसी कार में शायद ही मिलती होगी। तो फटाफट से बोनेट को ओपन करते हैं, ना आप लोगों को कवर करके दिखाते हैं। तो गाइज अब मैंने इसको ओपन कर दिया है, और अभी आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये इसमें हाइड्रोलिक्स नहीं आते भाई। तो ये कुछ इस तरीके का इंजन रहने वाला है कार का। अभी काफ़ी मैसिव इंजन मिलता है आपको, महिंद्रा की इंजन रहने वाली है ये, और बाकी सब कुछ महिंद्रा का अपना जेन्युइन सब कुछ लगा पर है। तो ये जो इंजन है ना भाई, इधर दिखा दे भाई, तो ये जो इंजन है ना, इस इंजन का प्राइस ही भाई बहुत अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि जो आप प्राइस दे रहे हो ना उसमें सबसे मेन चीज़ रहने वाला है इंजन और रिलायबिलिटी ऑफ द ब्रांड ऑफ द कंपनी ऑफ द कार। तो वो रिलायबल तभी बनती है जब सालों साल का भरोसा होता है इंजन और कार के ऊपर। तो आपको पता ही है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी कितनी ही रिलायबल है, और कितनी ही ज़्यादा लोगों ने इस कार को प्यार दिया है, और जब से ये कार लॉन्च हुई है भाई इसके सेल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अब इसको बंद करते हैं। सो बिगेस्ट रीज़न, जो पहला रीज़न है वो रहने वाला है इस कार का इंजन। काफ़ी अच्छा पावर फिगर मिलता है आपको इस कार में, काफ़ी अच्छा माइलेज, और लाखों लाख किलोमीटर टाप जाती है कार यूं ही, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो पहले इसको बंद करते हैं, देन सेकेंड रीज़न की ओर बढ़ते हैं भाई। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं कार के अंदर, एंड अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं सेकेंड रीज़न, और वो सेकेंड रीज़न क्या रहने वाला है। पहला तो इसका इंटीरियर उस सेकेंड रीज़न के अंदर, और ये मैसिव सी बड़ी सी स्क्रीन जो कि आपको इस प्राइस रेंज में शायद ही किसी दूसरे कार में देखने को मिलेगी। तो कितना ही बड़ा आपको यहाँ पे मैसिव सा स्क्रीन मिलता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और यहाँ पे आपका सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे कार से रिलेटेड, और ये आपका काफ़ी बड़ा सा इंटरटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसको इंफोटेनमेंट भी बोलते हैं, इंटरटेनमेंट भी बोलते हैं। काफ़ी बड़ा सा स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी सारे फीचर फंक्शंस लोडेड है इस कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में। यहाँ पे आप अपने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह भी देख पा रहे हो, और यहाँ पे बाकी बहुत कुछ मिलता है। अभी तो सारा कुछ मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको, काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसके स्क्रीन में मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे बैक गियर कैमरा वगैरह भी मिलता है आपको, तो कुछ इस तरीके का डिस्प्ले वगैरह आता है यहाँ पे, और ये देखो बहुत सारे मोड्स वगैरह इसमें भी है, तो ये सब कुछ मिलता है। और म्यूज़िक सिस्टम भाई इस कार की बहुत ही भयानक है, बहुत ही तगड़ा सा म्यूज़िक सिस्टम आपको इस कार में मिलने वाला है, और उसी के साथ यहाँ पे आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी भी मिल जाता है। ये सब तो कुछ हो गया फीचर फंक्शंस। तो दो रीज़न अभी तक मैंने आपको कवर करवाए हैं, और तीसरा रीज़न दिखाने जा रहे हैं, दिखा दूँ तो ये देखो। सो दिस इज़ दी थर्ड रीज़न वाई टू परचेज XUV 700 ओवर ऑल अदर राइवल्स। इसके राइवल्स के बजाय आपको इस कार को क्यों खरीदना चाहिए, उसका रीज़न मैं दे दे रहा हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा सा आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलता है, दिस इज़ द थर्ड रीज़न टू परचेज दिस कार, और काफ़ी लग्जरी फीचर्स में काउंट होती है पैनारोमिक सनरूफ। अभी हीट बहुत ज़्यादा है तो अभी हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं। बाकी इसमें आपको पैनारोमिक सनरूफ मैंने बता दिया, उसके बाद ये कार 7 सीटर है और विथ अ लग्जरी फील। भाई एक बार इंटीरियर दिखा भाई, तो आप लोग देख पा रहे हो कितना ही प्यारा इंटीरियर मिलता है, आइसोफिक सीट्स वगैरह मिलते हैं आपको इस कार में, और उसी के साथ आपको इस कार में 8 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं। 8 एयरबैग के साथ आती है ये कार, तो सेफ्टी को भी रखा गया ध्यान में एज महिंद्रा इज़ एन इंडियन ब्रांड। और उसके बावजूद भी आपको शुरू से ही पता होगा कि महिंद्रा सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, और सेफ्टी को ध्यान रख के ही कार वगैरह बनाती है। तो इस कार में आपको सेफ्टी मिलता है 8 एयरबैग्स का, बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छा, 4-स्टार रेटेड कार है।
और उसके बाद हम लोग बात करें तो ये कार रहने वाली है 7-सीटर कार। दिस इज अ 7-सीटर कार विथ अ बिग बूट स्पेस। आपको इसमें काफी अच्छा बूट स्पेस भी ऑफर किया गया है। बाकी इस कार के इंटीरियर जो है ना काफी प्रीमियम आपको टच देती है भाई। तो ये लो मैं उंगली पे गिनवा देता हूँ। पहला इंजन हो गया, दूसरा हो गया इसका बड़ा सा बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम, बड़ा सा स्क्रीन मिलता है आपको। थर्ड आपका पैनोरामिक सनरूफ, एंड फोर्थ रहने वाला 7-सीटर कार रहने वाली है ये, वो भी बहुत ही लग्जरी और कंफर्ट के साथ। बाकी पांचवा अगर हम लोग बात करें तो बड़ा सा बूट स्पेस आपको मिल जाता है इस कार में। एंड सिक्स्थ वन इज द फीचर फंक्शंस विच यू गेट इन दिस कार। जो भी आपको इस कार में फीचर फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं ना, वो शायद ही किसी दूसरे कार में इस प्राइस रेंज में आपको मिलेंगे। तो ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है इस कार को खरीदने का। तो कुछ इतने फीचर्स थे, बाकी अभी हम आपको यहाँ के फीचर्स वगैरह दिखाना चाहेंगे। तो एक बार यहाँ पे देखो, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलता है आपको, क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल जाता है, और इसमें आपको ऑटो पायलट का भी मोड मिलता है। अगर ये टॉप मोस्ट मॉडल रहा तो इसमें आपको ऑटो पायलट भी मिल जाएगा, और उसी के साथ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे काफ़ी सारे चीज़ मिलते हैं, इको सेंस वगैरह, और आपका गियर इंडिकेटर, RPM मीटर, स्पीडोमीटर। और टॉप एंड ये कार ऑलमोस्ट 200 क्रॉस कर जाती है भाई, 220 क्रॉस कर जाती है ये कार भाई, स्पीड भी है इस कार में। और यहाँ पे आपको बिल्कुल मर्सिडीज वाला फील आने वाला है, कुछ इस तरीके का आपका सीट कंट्रोल मिलने वाला है। यहाँ से आप सीट को कंट्रोल कर पाओगे, ये देखो आराम से सीट वगैरह कंट्रोल हो जाता है भाई, ये देखो। तो कुछ इस तरीके का आपका पूरा सब कुछ सिस्टम रहने वाला है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर वगैरह मिलता है, यहाँ पे अपने सनग्लास वगैरह को डाल सकते हो। और काफ़ी प्यारा सा इंटीरियर में आपको लाइट मिलता है यहाँ पे, ये देखो। तो कुछ इस तरीके फीचर फंक्शंस आपको इस कार में मिल जाते हैं। और अब चलते हैं बूट की ओर, और आपको एक बार इसके थर्ड रो और सेकंड रो को दिखाते हैं, देन उसके बाद फिर बूट स्पेस दिखाते हैं भाई। तो अब हम आ चुके हैं कार के सेकंड रो में, और यहाँ पे आपको काफी अच्छा सा लेग स्पेस मिल जाता है, हेडरूम काफी अच्छा मिल जाता है आपको, और काफी एयरी फील होता है। काफी बड़े बड़े आपको इस कार में विंड ग्लासेस मिलते हैं, विंडोज काफी बड़े रहने वाले इस कार के, और ग्लासेस एरिया भी काफी अच्छा है, तो आपको एयरी फील होता है। उसी के साथ पैनोरामिक सनरूफ है ही उस चीज के फील को बढ़ाने के लिए। और मैं बता दूं कि कंफर्ट के साथ साथ इस कार में फीचर फंक्शंस भी बहुत ज्यादा है। लाइक यहाँ पे भी आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, पीछे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला चाहे कितनी भी ज्यादा गर्मी हो, और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी के साथ ये कार आती है। और बाकी आप लोग डोर पैड्स वगैरह देख पा रहे हो, यहाँ पे कितनी ही लग्जरी टच मिली है। यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिलता है, ये आपके पावर विंडोज के कंट्रोल, और यहाँ पे लॉक अनलॉक और कार डोर ओपनिंग यहाँ पे मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाते हैं छोटे छोटे, दोनों साइड मिल जाते हैं, ताकि रात के टाइम पे अगर आपको कुछ पढ़ना है या फिर कोई पेपर वगैरह चेक करना है तो आप इजीली कर सकते हो। एंड उसी के साथ अब थर्ड रो की ओर अगर बात करें तो ये देखो, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का थर्ड रो मिलता है इस कार का, और कितना ही अच्छा सीट मिलता है, कितना ही कम्फर्ट के साथ। पीछे भी आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं जो कि आप आराम से यूज कर सकते हो, आपको गर्मी नहीं लगने वाली है इस कार में। और उसी के साथ आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है अगर आप सीट को स्प्लिट करते हो तो। एक बार मैं पीछे से चल के आप लोग को दिखाता हूँ इसके बूट स्पेस को। सो ये रहने वाला है कार का डोर पैड कुछ इस तरीके का। एंड अभी आपको मैं एक बार जरा इसका बूट स्पेस चेक करा दूं, तो यहां से हमने इसको सिंगल टैप करना है, और ये रही कार की बूट स्पेस। चेक करो गाइस, तो अगर आप इसको 60-40 करोगे तो इस तरीके से आपको मिलने वाला, अगर आप सीट को पूरी तरीके से फोल्ड कर दोगे तो स्पेस ही स्पेस मिलने वाला है भाई। उसके बाद तो फिर जगह का कोई कमी नहीं रहने वाला। ये देखो, ये चेक करो अब, तो ये 7-सीटर भी है और इसको 5-सीटर भी कन्वर्ट करके बना सकते हो इजीली, आप सीट्स को अप एंड डाउन कर सकते हो। तो अब ये कार बन चुकी है प्रॉपर 7-सीटर कार, और इजीली इसको हम लोग बंद कर सकते हैं। यहाँ से हमने बंद किया इसको, यहाँ पे आपको वाइपर वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे LED लाइट्स मिल जाते हैं आपको, कुछ इस तरीके का अलॉय व्हील मिलता है कार को, और काफ़ी बड़े अलॉय व्हील्स है इस कार के, और टायर वगैरह सब कुछ साइज़ है 235/60R18 का टायर साइज मिलता है आपको यहाँ पे। ORVM में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ऑटो फोल्डेबल लाइट्स है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का हेडलाइट मिलता है, काफ़ी बड़ा DRL मिल जाता है LED लाइट सेटअप के साथ। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो मिलता है आपको, काफ़ी बड़ा ग्रिल मिल जाता है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे रहने वाला है गाड़ी का फॉग लाइट जो कि काफ़ी पावरफुल है, आपको लाइट्स की कोई भी कमी नहीं होने वाली है इस कार में। और बाकी अंदर बैठ जाते हैं फिर, तो इतने सारे फीचर्स तो मैंने काउंट करा दिए। अब इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, वो है इसकी ड्राइवेबिलिटी। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल कार है ड्राइव करने में, इजीली आप इस कार को ड्राइव कर पाओगे। तो अब मैं कार को ड्राइव करके ना आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। तो काफ़ी आराम से आप इस कार को ड्राइव कर पाओगे, और इसका जो सीटिंग पॉइस्चर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा हाइट मिलता है आपको, जिसके वजह से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कार ड्राइव करने में।
और कहीं ना कहीं इस कार में स्पीड की कोई कमी नहीं है भाई, और आप चाहो तो इस कार को बिल्कुल पेट्रोल की तरह चला पाओगे, मतलब आपको फील नहीं हुआ कि आप एक डीजल कार चला रहे हो। इवन आपको क्लच वगैरह पे कोई वैसा झटका वगैरह फील नहीं होता। और ये जो अभी है ना नोटिफिकेशन आ रहा है, हमने क्योंकि सीट बेल्ट नहीं लगाया है जिसकी वजह से, तो अभी एक बार कार को हम लोग टर्न करते हैं। तो अभी हम लोगों ने कार को डाला है बैक गियर पे और आराम से कार को घुमाते हैं। भाई उसका स्टेयरिंग का रेडियस भी बहुत अच्छा है, इजीली कार जो है ना वो मूव हो जाती है, घूम जाती है। फिर से इसको हमने फर्स्ट गियर में डाला है, तो ये फर्स्ट गियर में, और मुझे लगता है ये कार 0 to 100 बहुत जल्दी करती है भाई, काफ़ी कम टाइम में 0 to 100 ये कार चली जाती है। तो ये मैंने थर्ड गियर में एक्सेलरेशन किया, बट ज़्यादा हार्ड एक्सेलरेशन नहीं करेंगे क्योंकि जो ये जो रूट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है, तो हम लोग हार्ड एक्सेलरेशन नहीं करेंगे। बाकी ओवरऑल इसकी जो स्टेयरिंग की फीडबैक है ना वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है भाई, मतलब आपको ये स्टेयरिंग फीड ना बहुत ही प्रीमियम फील आने वाला है आपको ड्राइव करते टाइम। और सिटिंग पॉइसर भी अच्छा है, ब्रेक्स आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलता है आपको इस कार में, तो आपको उस चीज़ का भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इस कार में। ब्रेकिंग भी बहुत तगड़ा मिलता है आपको, तो कहीं ना कहीं फीचर फंक्शंस तो लोडेड है इस कार में, बहुत सारे फीचर फंक्शंस आपको इसमें ऐसे मिलते हैं जो प्रीमियम कार्स में मिलती है। तो ओवरऑल ये कार फीचर्स लोडेड है, और उसी के साथ हमें तो बहुत अच्छी लगी ये कार। तो जो भी फीचर फंक्शंस हमने कवर करना था हमने कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ आया हो और अच्छा लगा हो ये वीडियो। अगर आप लोगों को ये कार अच्छी लगी हो और जो हमने रीज़न दिया, एक बार ऑफ कर लेते भाई वरना ये फिर वीडियो बनाने नहीं देगी भाई। अभी के टाइम पे ऐसा हो गया ना कि कार्स वगैरह ना आपको सजेस्ट करने लगी है सीट बेल्ट लगा लो, धीरे चला लो, सब कुछ। पहले के टाइम पे ये कहाँ हुआ करता था, तो ये भी एक हाईलाइटेड फीचर्स ही मानो भाई। अभी के टाइम पे ना कार ही आपको सजेस्ट करती है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो और जो मैंने रीजंस दिए हैं वो आप लोगों को ऑथेंटिक लगे हो, लगा हो कि हाँ भाई ने सही रीज़न दिया है कार खरीदने का, क्यों खरीदे 2024 में XUV 700 को ओवर ऑल ऑफ द राइवल्स। तो ये कुछ पांच रीजंस जो मैंने कवर किए, बाकी फीचर फंक्शंस तो मैंने बता ही दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरे चैनल पे इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आते रहती है लेटेस्ट कार के ऊपर, कार रिव्यूज़ वगैरह भी थोड़े दिनों में मैं करने वाला हूँ। अगर आप लोग पटना से हो, अगर आपने किसी भी कार को ऑन कर रखा है किसी भी सेगमेंट के कार को, तो कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों के पास टाइम फ्री रहा तो हम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, और हम लोग चाहे तो आराम से उस कार के ऊपर वीडियोज़ बना सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम पर मेरे चैनल पर आपको अच्छी अच्छी कार्स की रिव्यूज़ भी मिलने वाली है। अभी जितने भी नई कार्स लॉन्च हो रही है, बाइक लॉन्च हो रहे हैं, उन सब के वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते किसी एक नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।